हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिकी पॉइंट। आज हम लोग देखेंगे क्लास टेंथ के चैप्टर 7.2 के क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7.7 दिया हुआ है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 तथा बी के निर्देशांक 1 और 4 है, यानी कि वृत्त दिया हुआ है। ठीक है, उसके हमें बोला क्या है कि ए के निर्देशांक ज्ञात करना है, यानी ए पॉइंट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ए पॉइंट नहीं दिया हुआ है, एक वृत्त बनाते हैं। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, पहले एक वृत्त बनाते हैं। यह हो गया हमारा वृत्त। ठीक है, ये क्या होता है व्यास। ठीक है, और ये जो बीच में होता था क्या था, सेंटर। इसको क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्र। क्या कहते हैं, केंद्र। ठीक है, और ये क्या है व्यास। अब देखिए यहाँ पे अगर ए होता है और ये क्या बी, ये हो गया और ये बी, ये सेंटर हो गया। ओ सेंटर क्या करते हैं, ओ कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया क्या क्या है। यहाँ पे दिया हुआ है ए बी वृत्त का व्यास है। ठीक है, ए बी वृत्त का व्यास हो गया। केंद्र दिया है 2-3, केंद्र ई वाला जो दिया है 2-3 दिया हुआ है। 2- क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। और बी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। बी कितना दिया है, 1 और 4 दिया हुआ है। कितना दिया, 1 और 4 दिया हुआ है। ठीक है, हमको ए निकालना है। क्या करना है, ये वाला ए निकालना है। अब देखिए इसमें क्या है, ओ जो है इन दोनों का क्या है, मध्य बिंदु है। वो क्या है, इन दोनों का मध्य बिंदु है। जब ओ मध्य बिंदु है तो हम उस ये मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। चलिए ठीक है, मध्य बिंदु यानी कि ओ जो है, ओ ओ ए बी का मध्य बिंदु है। इसको हम क्या एक्स और वाई मान लेते हैं, एक्स और वाई। हमने माना ए एक्स और वाई, यही माने। ठीक है, अब देखिए करेंगे क्या यहाँ पे कि यहाँ पे जो सेंटर दिया उसको यहाँ पर रख लेते हैं, जो मध्य बिंदु निकाल देता है यहाँ पर रखा जाता है ना। तो क्या होगा, 2-3, ये क्या होगा, मध्य बिंदु वाला होगा। ठीक है, इक्वल टू, इसको क्या करते हैं, मध्य बिंदु निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता था, एक्स प्लस एक्स वन प्लस एक्स टू बटे में 2 होता था, यानी कि एक्स प्लस वन एक्स प्लस एक्स वन प्लस एक्स टू यानी कि 1/2। और ये वाई के लिए क्या हो जाएगा, वाई के लिए वाई 1+y2/2। यहाँ पर वाई टू बोलिए कितना है, 4 है। इधर क्या करेंगे, एक्स को एक्स के बराबर रखेंगे, वाई को वाई के बराबर रखेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। यानी कि एक्स वाला को पहले एक्स निकालने के लिए इसको वैल्यू रखेंगे, यानी क्या करेंगे, पहले हम लोग एक्स प्लस 1/2 एक्स प्लस 1/2 इक्वल टू, इसको जो बराबर किया आया है कितना आया है, 2 है। ठीक है, कितना है, 2 है। ठीक है ना, इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें बटे में 1 कर दीजिए। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी एक्स प्लस 1, इसको जब गुणा करेंगे तो 2 × 4, तो चूँकि एक्स और क्या हो जाएगा, ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा, उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 4-1 हो जाएगा। चूँकि एक्स और क्या हो जाएगा, 3, एक्स और 3 आ गया, यानी एक्स का मान कितना आ गया, 3 आ गया। दूसरा क्या करेंगे हम लोग, दूसरा करना क्या है, दूसरा किसके बराबर है, दूसरा है -3 और वाई प्लस 4/2। -3 इक्वल टू है वाई प्लस 4/2, ये इसी के बराबर है ना। इसके नीचे गुणा करते, जब गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, और क्या वाई प्लस 4 हो जाएगा। क्या जाएगा, वाई प्लस 4 हो जाएगा। जब इसको निकालेंगे वाई प्लस 4 को, जब इधर आएगा तो वाई इक्वल टू हो जाएगा -6 प्लस 4। ठीक है, जो घटेगा कितना, वाई इक्वल टू कितना, -2 हो जाएगा। यानी कि वह बिंदु ए एक्स वाई माने थे, एक्स वाई मान रख लेंगे, फिर एक क्या क्या आया है, 3 आया है, अब -2 आया हुआ है। यही हुआ आपका आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर इस प्रॉब्लम में, इस सब क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।